टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट देखे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर। सेम द अनदर नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो कि फर्स्ट यहाँ पर अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ओके, ए प्लस आई बी फॉर्म वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर इज डिफाइंड टू बी ए, इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी फॉर्म। तो व्हाट इज अ ए प्लस आई बी? तो हियर जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, जेड वन, जेड टू। जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर बट ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट्स। ओके, रियल पार्ट ऑफ द जेड एंड आई बी इज कॉल्ड द इमेजिन पार्ट्स, इमेजिन पार्ट। इट्स डिनोटेड बाय द रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड, दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड दिस इज कॉल्ड द इमेजिन पार्ट ऑफ द जेड। यानी रियल एंड इमेजिन नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, व्हाट इज द रियल एंड व्हाट इज द इमेजिन? ओके, इमेजिन मीन्स स्टूडेंट्स आप जानते हो यहाँ पर जो नोटेशन यूज हुआ है आई, आई मीन्स आयोटा, अदरवाइज आई इज इक्वल्स टू। जनरली आप ये भी जानते हो कि कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलेगा। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, दैट इज आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ओके, आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन एंड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। स्टूडेंट्स ये भी आप जानते हो कोई भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। आई जो नंबर है उसका स्क्वायर कितना होगा? माइनस वन। नाउ हियर आई मीन्स हियर नेक्स्ट स्टेप, सपोज आई, आई इज इक्वल्स टू आई एंड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। ओके, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। ए यहाँ पर जो आई है, आई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जीरो प्लस वन आई। ओके, आई जेड इज इक्वल्स टू आई, दैट इज कॉल्ड द जीरो प्लस वन आई। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो जीरो वन। ओके, कोऑर्डिनेट फॉर्म में जीरो वन। ओके, जीरो आई, फर्स्ट इज द रियल नंबर। ओके, एंड सेकेंड इज द इमेजिन नंबर। ओके, जीरो वन। नाउ हियर रियल एंड इमेजिन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। आई इज इक्वल्स टू आई, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। व्हाट इज द आई क्यूब? आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इन टू आई, लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज माइनस वन, दैट इज माइनस वन इन टू आई, वी गेट माइनस आई। ओके, नाउ नेक्स्ट आई रेस टू फोर। व्हाट इज द आई रेस टू फोर? दैट इज द आई स्क्वायर रेस टू टू। आई स्क्वायर इज माइनस वन, इट्स स्क्वायर, एंड माइनस वन स्क्वायर दैट इज वन। नाउ नेक्स्ट आई रेस टू फाइव। व्हाट इज द आई रेस टू फाइव? आई रेस टू फाइव मीन्स आई रेस टू फोर इन टू आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई रेस टू फोर? आई रेस टू फोर इज वन इन टू आई, दैट इज आई। आई रेस टू फाइव इज इक्वल्स टू आई। आई रेस टू सिक्स, आई रेस टू सिक्स मीन्स आई रेस टू फोर इन टू आई स्क्वायर। आई रेस टू फोर इज वन एंड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, दैट इज माइनस वन। व्हाट इज द आई रेस टू सेवन? आई रेस टू फोर इन टू आई क्यूब, दैट इज आई रेस टू फोर इज वन एंड आई क्यूब मीन्स माइनस आई। ओके, आई जनरली नोटेशन में हम कर्ली आई करेंगे। नाउ आई रेस टू एट, दैट इज आई रेस टू फोर स्क्वायर लिख सकते हैं, अदरवाइज आई रेस टू फोर इन टू आई रेस टू फोर एंड वैल्यू ऑफ आई रेस टू फोर दैट इज वन। तो जनरली देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फोर, फिर फाइव टू एट। ओके,
फर्स्ट एंड फिफ्थ का आंसर सेम आ रहा है, आई स्क्वायर माइनस वन एंड आई रेस टू सिक्स इज सेम, आई क्यूब एंड आई रेस टू सेवन सेम, एंड आई रेस टू फोर एंड आई रेस टू एट सेम, यानी फोर का मल्टीपल है तो वो सब सेम है। नाउ ऑल्सो यार जनरली हम देखें तो आई रेस टू फोर के, आई रेस टू फोर के फोर का मल्टीपल यानी फोर एट, सबका आंसर कितना होगा फोर एट ट्वेल्व, सबका आंसर वन। ओके सपोज आपको क्वेश्चन दिया आई रेस टू 200, ओके 200 इज द मल्टीपल ऑफ फोर, यस ओके मल्टीपल ऑफ फोर देन आंसर इज वन। नाउ नेक्स्ट हियर आई रेस टू फोर के प्लस वन, अगर फोर का मल्टीपल हुआ और वन रिमाइंडर रहा, सपोज द एग्जाम्पल इज 21, आई रेस टू 21, वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई रेस टू 21, आई रेस टू 21 दैट इज आई रेस टू 20 इंटू आई, आई रेस टू 20 इंटू आई, आई रेस टू 20 इज द मल्टीपल ऑफ फोर यानी आंसर इज वन। ओके एंड आई रेस टू वन दैट इज आई, मीन्स आई रेस टू फोर के प्लस वन दैट इज आई, आई रेस टू फोर के प्लस टू इज द रिमाइंडर इज टू दैट इज माइनस वन, आई रेस टू फोर के प्लस थ्री रिमाइंडर इज थ्री दैट इज द माइनस आई। तो स्टूडेंट्स आपको ये फोर टर्म्स याद रखने हैं, इसकी वैल्यू अगर आई का पावर जितना भी हो, सपोज आई रेस टू यहाँ पर क्वेश्चन है आई रेस टू 289, ओके तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई रेस टू 289, नाउ यार 289 इज डिवाइडेड बाय 4, यार 4 7 जा 28, ओके एंड 9 4 2 जा 8 रिमाइंडर 1 दैट इज द आई रेस टू 289 एंड आई आर सेम, इफ द रिमाइंडर इज 2 दैट इज माइनस 1, इफ द रिमाइंडर इज 3 दैट इज माइनस आई। ओके नाउ स्टूडेंट्स यहां से हम एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि आई आई स्क्वायर आई क्यूब एंड आई रेस टू 4 का एडिशन क्या होगा स्टूडेंट्स, आई आई स्क्वायर आई क्यूब एंड आई रेस टू 4 दैट इज आई माइनस 1 माइनस आई एंड प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस आई एंड प्लस आई कैंसल दैट इज ऑलवेज 0, मीन्स एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ओके पावर आई का पावर कोई भी होगा बट कॉन्जिक्यूटिव फोर टर्म्स है ऑलवेज द एडिशन इज 0, आई आई स्क्वायर आई क्यूब आई रेस टू 4 इज 0। सपोज द एग्जाम्पल आई रेस टू 18 प्लस आई रेस टू 19 प्लस आई रेस टू 20 प्लस आई रेस टू 21, व्हाट इज द वैल्यू, इट्स 0 बिकॉज आई रेस टू 20 दैट इज 4 मल्टीपल 4 मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 1, आई रेस टू 21 मल्टीपल 4 एंड प्लस 1 आएगा रिमाइंडर 4 5 इज 20 एंड प्लस 1 रिमाइंडर दैट इज आई। ओके नाउ हियर 4 4 जा 16, ओके 4 4 जा 16 एंड 3 रिमाइंडर दैट इज माइनस आई एंड 16 प्लस 2 दैट इज आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आई आई कैंसल वी गेट 0 दैट इज द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द पावर आई इज ऑलवेज सम इज ऑलवेज 0। ओके नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपके पास जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, तो जनरली एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज द एग्जाम्पल जेड इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आई, जेड इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 9 आई, जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आई। ओके तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज एग्जाम्पल जेड इज इक्वल्स टू 2, 2 इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 प्लस 0 आई फॉर्मेट में आप लिख सकते हो प्लस आई बी फॉर्म। ओके जेड इज इक्वल्स टू 6 आई, इट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंट ऑफ द 6 प्लस 0 आई, हियर ए इज 0 एंड बी इज इक्वल्स टू 6। ओके स्टूडेंट्स ये वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप देखो तो क्या है इमेजिन पार्ट इज 0, इमेजिन पार्ट इज 0, इफ द इमेजिन पार्ट इज 0 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल द प्योरली रियल नंबर। ओके जेड इक्वल्स टू 2, जेड इक्वल टू 2 को आप ए प्लस आई बी में कन्वर्ट कर सकते हो बट जेड इक्वल टू 2 इट इज कॉल्ड द प्योरली रियल नंबर। नाउ इन दिस केस जेड इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6 आई, ओके हियर रियल पार्ट इज 0 एंड ओनली फॉर इमेजिन पार्ट दैट इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिन नंबर। ओके दिस इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिन नंबर, प्योरली रियल नंबर एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ओके सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, सपोज जेड वन इज इक्वल टू जेड टू वेर जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। ओके हियर टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन द रियल रियल नंबर आर इक्वल
ओके रियल रियल दैट इज द ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी. ओके इफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन इट्स रियल. कंपेयर द रियल रियल नंबर एंड कंपेयर द इमेजिन नंबर वी गेट ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी. तो स्टूडेंट्स सेकेंड थिंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए नया चैप्टर्स है तो जनरली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो ऑलवेज ए प्लस आई बी फॉर्मेट में होगा. ओके ए प्लस आई बी मीन्स माइनस एट माइनस नाइन थ्री प्लस टू आई टू प्लस थ्री आई ये फॉर्मेट में आपको लाना है. अगर फ्रैक्शन में है माइनस एट अपॉन माइनस एट माइनस नाइन आई अपॉन टू प्लस थ्री आई. ओके इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ. ओके यहाँ पर लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन से उसको ए प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है फिर आपको आगे स्टार्ट करना है. तो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1. ओके उसमें सभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे ही कि ए प्लस आई बी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है. तो ये बेसिक कंसेप्ट है. ओके ए प्लस आई बी में कैसे लाइन है. नॉर्मली जो हम एलजीब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं फैक्टराइजेशन या एक्सपांसन में वैसे ही आपको सॉल्व करना है. ओके बट ये बेसिक ये आई रेस टू फोर फोर के फोर का मल्टीपल दैट इज वन मल्टीपल फोर का होगा और वन रिमाइंडर दैट इज आई टू रिमाइंडर दैट इज माइनस आई एंड थ्री रिमाइंडर दैट इज माइनस आई. ओके तो ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर करना है.